23वीं सहरी बहुत 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 मुबारक हो। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी के मजेदार खस्ता परोठे। तो आप लोग सारी किससे कर रहे हैं? सॉरी, कल मैं भी लोग नहीं बना सकी, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने जो है ना आग जलाई हुई, मैंने ना व्लॉग नहीं बनाया। ठीक है, तो आप सबको रमज़ान मुबारक की 23वीं सहरी मुबारक हो। और मुझे आप लोगों ने बताना है कि क्या चल रहा है वीरू, क्या चल रहा है, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, हाय हाय हाय, और मैं लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हूँ। आज मैंने दो सालन भी बनाए, आलू बैंगन का और आलू गोभी का। ठीक है, आलू गोभी का मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं आलू गोभी वाले पराठे इस दफ़ा नहीं बना सकी, और आलू बैंगन वाले भी नहीं। कल आलू बैंगन वाले पराठे बनाएंगे, आज आलू गोभी वाले बनाएंगे, और हाँ कीमे वाले पराठे भी नहीं बनाए अभी तक। तो कीमे वाले पराठे भी बनाएंगे, हम आपको बताएंगे कीमे वाले पराठे कैसे बनते। कीमे वाले पराठे बहुत आसानी से बन जाते हो। शीट देसी घी, देसी घी, अच्छा जी, हसबे ज़रूरत देसी घी, देसी घी डालते इसमें, और मैं थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डालती हूँ, मतलब लगाती हूँ, इससे थोड़ा खस्ता बनते हैं। ठीक है, पकने दे। अच्छा जी, खैर आप लोगों ने मुझे मिस तो किया होगा, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। तो मैंने वैसे अपना एक उसका खाने का व्लॉग डाला था, वो ज़रूर आप देखिएगा कल, क्योंकि मैं सहरी की वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए फिर मैंने इफ्तारी के बाद एक वीडियो डाली थी, इफ्तारी टाइम भर के डाली थी एडिट करके। तो मैंने कहा चलो आप लोग ये ना हो कि उदास ही हो जाए, सहरी की तो नहीं डाल सकी थी, लेकिन मैंने कहा चलो अफ्तारी की अफ्तारी कोई और डाल दी। मेरे पास एक व्लॉग पड़ा हुआ था, वो तेरी गर्म बहुत है, एंड जो बनाते ना पराठे एवं नहीं बनते पराठे। चलो तवा मेरा ठंडा था तो ना वो साथ जुड़ रहा है। चलो जी, आप भी सहरी करें, मैं भी थोड़ी लेट हो गई हूँ, ऊपर से पंगा मैंने बड़ा ले लिया है। यार ये ना ताज़ा आटा गूंदा था ना, तो ये पराठा फट गया, ये मैं डालते हुए ना इसका नक्शा बन गया है, सत्यानाश। आटा अभी भी गूंदा ना, आटा पहले गूंदा होता ना फिर बनना था, ये भी बड़ी मुश्किल से गोल बनाया। ठीक है, आटा जो है वो अभी भी गूंदा था, और ताज़ा आटे की आटे का पराठा नहीं बनता ऐसे जल्दी। आप सोच रहे होंगे नया तरह झूठ बोल दिए, चलो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी मास्टर शेफ से भी गलती हो जाती है। एक्चुअली मैंने आटा गूंदा पहले गूंद लेती ना, फिर ये नहीं गूंदा था, आटा अब गूंदा है और अभी नक्शे बन रहे हैं मुझसे। हालांकि मैं बेलन से नहीं बना रही, हाथ से बना रही ताकि नक्शे ना बने, लेकिन ना मज़ा नहीं आया। देखो हर चीज में मज़ा नहीं होता, कभी कभी मज़ा नहीं भी आता। ये पराठे खाएगा कौन, ऑयल की तरह? मैंने तो ये समझ नहीं आती ये मैं ही बनाया है, जिंदगी जैसा पराठा मैंने कभी नहीं बनाया। अच्छा भाई फट गया था तो मैंने उसको ना स्टिच कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या कहते हैं वो अब बेचारा ना थोड़ा सा, देखो जो कुदरती चीज़ होती है कुदरती होती है, जब स्टिच हो जाए जो टंके शंके लग के दोबारा टांग जोड़ी जाए ना, तो वो फिर लंगड़ाती तो है ना, इसलिए बेचारा लंगड़ा रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, दो चिमटियाँ नहीं है, दो से उठेगा ये, बस ऐसे खा देती है ये, देखें इन्नी की गल सी, अल्लाह करे ये वाला पराठा लास्ट है।
ये देखे साथ साथ जुड़ रहा है, ये देखे साथ जुड़ रहा है, तेरी खैर हो। आज पराठों का पता है क्या बन गया है, अल्लाह आज पराठों के साथ पता क्या है, बिल्कुल अभी अभी मैंने आटा गूंद के ना और अभी अभी बनाने लगी हूँ, जिसकी वजह से ये हुआ है कि बेड़ा गर्क हो गया है, मेरा गर्क हो गया है। चलो जी खैर छोड़ो, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, रखिएगा मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर अमान अल्लाह।